मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की जो एक बुरी खबर है और भारतीय इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है और उन लोगों के लिए भी बुरी खबर है जो स्टार्टअप कर रहे हैं, इस वक्त का जो पॉपुलर पेटीएम है, जो आपका वॉलेट है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उस पेटीएम का अब ह्रास हो रहा है। यानी जो सूरज की तरह उदय हुआ जिस कंपनी का, आज केवल 13 सालों में ही उस कंपनी का अब गिरावट आ गई, यानी उसका पतन शुरू हो गया। और 29 फरवरी 2024 से ये कंपनी न तो पेटीएम बैंक में पैसा ले पाएगी, न पैसा दे पाएगी, और जिन लोगों के पैसा जमा है वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये क्यों हुआ? ये असल में रिजर्व बैंक ने ऑर्डर किया है, और रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो पेटीएम कंपनी है उसका जो प्रबंधन है उसमें कुछ गड़बड़ है, उसकी जो केवाईसी है उस पर कुछ गड़बड़ है, और उसमें धन शोधन का मामला, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ पैसे की हेर फेर किए, यानी जो ग्राहकों से पैसा लिया है वो पैसा कहाँ गया, किधर गया, उसका क्लियर कट हिसाब नहीं है, ये रिजर्व बैंक का कहना है। और आपको बता दें कि जो बचत बैंक खाते हैं, चालू खाता है, प्रीपेड माध्यम है, फास्टैग है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी खाते हैं, इन सब खातों में अब ये 29 फरवरी से कोई लेन देन या बात नहीं कर पाएंगे। और इसमें आरबीआई ने एक बयान आज जारी किया और उसमें कहा कि जो हमने कदम उठाया वो व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों के अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद ऐसा कदम उठाया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप अप स्वीकार न करने का निर्देश दिया गया है। और आपको बता दें कि जो जो ये पेटीएम कंपनी है ये असल में 197 एक कंपनी है नोएडा में। अगर आप लोग एनसीआर दिल्ली में रहते हैं तो नोएडा में जब आप मेन रोड सेक्टर 3-4 में जाते हैं तो वहाँ आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग कांच की दिखती है, उस पर पेटीएम लिखा होता है और उसी की बिल्डिंग का नाम है 197। ये 197 एक कंपनी है जो विजय शंकर शर्मा, इन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था 2010 में। और विजय शेखर शर्मा जी, और इन्होंने 2010 में इसको कंपनी को शुरू किया, और उसके बाद इन्होंने इन्होंने एक नई शुरुआत की, दरअसल स्टार्टअप किया। बहुत उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, डिजिटल पेमेंट होगा, उस वक्त इन्होंने सोचा था। और ये जो इनकी जो 197 कम्युनिकेशन कंपनी है, इस मोबाइल पेमेंट सर्विस क्यूआर कोड आधारित, और इन्होंने एंड्रॉयड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन। आप देखते हैं जब आप पेमेंट करते हैं तो एक तो आपका जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है उसको भी पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, और इन्होंने जो किया उसको भी एंड्रॉयड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। यानी जो सब्जी की दुकान में, पकौड़े की दुकान में, दुकानदारों में आपने देखा होगा कि एक क्यूआर कोड लगा होता है, जब आप पेमेंट करते हैं तो आवाज़ आती है कि आपने इतना पैसा रिसीव हुआ और पेटीएम करते रहो, इस तरह से आवाज एक आती है। तो इन्होंने बिल पेमेंट और मनी ट्रांसफर और टिकटिंग और रिटेल ब्रोकरेज, ऑनलाइन गेम्स, इनमें इन्होंने हाथ आजमाया और लगातार ये बढ़ते चले गए। और ये जो विजय शेखर शर्मा जी हैं, इन्होंने जो डेबिट कार्ड और लैंडलाइन के जो बिल थे वो 2013 में उन्होंने शुरू कर दिया था कि आप ऑनलाइन हमारे यहाँ से शुरू करते रहो। और उसके बाद फिर उन्होंने 2011 में एक सफायर वेंचर, एक कंपनी इन्वेस्टमेंट किया इनमें 10 मिलियन का, और उसके बाद ये कंपनी बढ़ती चली गई। 2014 में इस कंपनी का लॉन्च पेमेंट वॉलेट इन्होंने शुरू किया, फिर उसके बाद ये इंडियन रेलवे में, उबर, इन सब में इन्होंने अपना काम धाम शुरू किया। और इसके बाद जब उन्होंने ई कॉमर्स शुरू किया, ई टिकटिंग, और इसमें उन्होंने ऑनलाइन डीलिंग की, लेकिन 2015 में इनका एक बहुत बड़ा जंप आया जब इन्होंने
मेट्रो रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इन्होंने किया। तो इसको जो चीन की बड़ी कंपनी है, इसको एंट फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं, जो हम अलीबाबा के नाम से भी हम जानते हैं, अलीबाबा। तो अलीबाबा ने इस कंपनी में 2015 में ह्यूज ह्यूज इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, यानी इस कंपनी में 40% का उन्होंने स्टॉक खरीद लिया था। और उसके बाद 2016 में इस कंपनी में रतन टाटा ने भी इन्वेस्टमेंट किया था, और उसके बाद इस कंपनी को माउंटेन कैपिटल, जो ताइवान की कंपनी है, मीडिया टर्क है, एक बड़ी कंपनी है, तो इसने इन्वेस्ट किया $5 बिलियन का। और उसके बाद 2016 में इसने एक लॉन्च्ड मूवीज, इवेंट, एम्यूजमेंट पार्क्स, टिकट वगैरह, इन्होंने वो सब भी शुरू कर दिया कि भाई आप फिल्में देखना तो हमारे आप पेमेंट, जो पेटीएम पेमेंट है, पेमेंट मूवी है, वहाँ से आप देखो। और फिर इनका काम चलता रहा, गिफ्ट कार्ड वगैरह ये सब इन्होंने किए। 2017 में इन्होंने एक बहुत बड़ा सिंगल इन्वेस्टमेंट इनको मिला सॉफ्ट बैंक का, सॉफ्ट बैंक। और इस कंपनी को इनको करीबन 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट मिला। और 2018 में बर्कशायर और हैथवे ने इसमें $356 मिलियन का, यानी 3 से 4% उन्होंने स्टेक खरीदे पेटीएम में। और उसके बाद इनका जो कारोबार था वो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और जब इन्होंने पेमेंट पेटीएम बैंक इन्होंने बनाया, असल ये कोर बैंकिंग नहीं है, ये सॉफ्ट बैंक है, जो सिर्फ डिजिटल बेस्ड आपके बिल जमा करना, आपके जो वॉलेट है ना, इस तरह की चीज़ें इन्होंने शुरू की। और वो इनका काम बढ़ता ही चला गया। और इन्होंने 2016 में, जिस वक्त इस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2,000 रुपये के नोट और 500 रुपये के नोट, 500 रुपये के और 1,000 रुपये, 1,000 रुपये के नोट जो इन्होंने उस वक्त बंद किए थे, यानी डीमोनेटाइजेशन किया था, तो उस वक्त पेटीएम सबसे तेज उभरा था, क्योंकि लोगों के पास और ऑप्शन थे नहीं। तो इन्होंने लोगों को अल्टरनेट दिया कि आप हमारे पेटीएम पर आओ और फिर खरीदारी करो, क्योंकि लोगों के पास उसमें कैश भी नहीं था, केवल 2,000 रुपये के नोट निकलते थे। तो बिजल शेखर शर्मा का जो इस कंपनी में टोटल जो फंडिंग, शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में, वो 49.42 है। फिर आंट ग्रुप है वो 13% है। फिर SVP इंडिया होल्डिंग है, इसमें 17% है। फिर सेल और मॉरिशस की कंपनी, उसमें 10% है। फिर एक्सिस का 4% है। सेफ पार्टनर का 4% है। और एक है BH इंटरनेशनल है, वो कैपिटल पेंशन प्लान इंस्ट्रूमेंट का भी 1.7%। टोटल 75% है जो उसमें। और इसमें जो अब जो मामला हुआ कि जब इन्होंने 2021 में शेयर मार्केट में पैसा लगाया, यानी शेयर मार्केट में जब इन्होंने अपने आप को लिस्टिंग कराई, तो तब भी ये बहुत बड़ी कंपनी, यानी करीबन 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने शेयर मार्केट से उठाया, उठाया मतलब उसकी वैल्यू लिया वहाँ से, शेयर मार्केट से। और इनकी जो शेयर मार्केट में जो इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि करीबन 13 लाख करोड़ जो ये पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जिसमें 31 35 करोड़, 35 करोड़ पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम यानी लोगों ने जो अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर रखे हैं, वो ग्राहक इनके 35 करोड़ है। लेकिन जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक का कहना है कि इनके जो जो 35 करोड़ ग्राहक हैं, उसमें से 31 करोड़ तो ऐसे हैं जो इनएक्टिव है, यानी उन्होंने पैसा तो जो वो तो अकाउंट तो खोल दिया है, यानी पेटीएम तो उन्होंने डाउनलोड कर लिया, लेकिन वो उससे कारोबार नहीं करते, यानी लेन देन नहीं करते, केवल 4 करोड़ करते हैं। तो जो 31 करोड़ जो इनएक्टिव अकाउंट होल्डर हैं, उनका KYC नहीं है, और KYC नहीं है तो उनके नाम पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी पैसे का लेन देन है। फिर रिजर्व बैंक का ये भी कहना है कि जो विजय शेखर शर्मा है, इनकी जो कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, ये 197 कम्युनिकेशन, 197 कम्युनिकेशन, इसका जो शेयर होल्डिंग है, इसमें 49% है, ये उनका कहना है, रिजर्व बैंक का कहना है कि जो टोटल इनकी शेयर होल्डिंग है 49% है। लेकिन ये अपने आप को उसका सब्सिडरी बताते हैं,
तो असली कंपनी का मालिक कौन है? तो वो डाउट हुए हैं जो अपना रिजर्व बैंक है, और उस रिजर्व बैंक के डाउट करने के बाद इस कंपनी को फिलहाल यानी 29 फरवरी 2024 से इसको बैन कर दिया गया, यानी आप लेन देन नहीं कर पाओगे, ना लोगों से पैसा ले पाओगे, ना पैसे दे पाओगे, ना टॉप अप कर पाओगे, ना फास्टैग आप बेच पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अब इसमें एक थोड़ा जरूर सवाल उठ रहा है कि जो पेटीएम ब्रांड है उसमें उसका शेयर मार्केट में भी आप देखो 40% तक गिरावट आ गई है। अब इसमें ये कंपनी कैसे सरवाइव करेगी? क्या ये जो पेटीएम का जो इनके केवाईसी है क्या उसको सुधार कर पाएगी, या इन पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग रहा है उसको ये साबित कर पाएगी कि हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, क्योंकि इनके पास तो कई लोगों ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, कई कंपनियां, और बहुत सारे आरोप हैं। उन आरोपों पर ये क्या जवाब देंगे रिजर्व बैंक को? और क्योंकि ये तो बताते हैं कि इनका तो 19% है केवल अपना, लेकिन रिजर्व बैंक कहता है कि इनका 49% है। तो और उनकी पर्सनल कैपेसिटीज अलग है, यानी 49% तो जो 197 कम्युनिकेशन है उसके हैं, और करीबन 19% पर्सनल कैपेसिटीज है विजय शेखर शर्मा के हैं, ये ऐसा है उनका कहना। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा देश की इकोनॉमी के लिए हम देखें तो ऐसे स्टार्टअप का बंद होना वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, क्योंकि इनका जो रोल है अब 13 लाख करोड़ रुपए का ये इनके सर्कुलेशन में है, 13 लाख करोड़ रुपए का ये पैसा जो लेन देन करते हैं थ्रू पेटीएम के थ्रू, तो ये देश की इकोनॉमी में ही लग रहा है पैसा और लोगों को सुविधा मिल रही है। और अभी जो इन्होंने शेयर मार्केट से 18,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जो पब्लिक से पैसा एकत्रित किया है वो पैसा है, तो ये अब हालांकि अभी पेटीएम ने स्पष्ट कहा है, सबको मेल आ रहे हैं कि जिनका भी पैसा है वो अपना विड्रॉ कर ले 29 फरवरी तक, या 29 फरवरी के बाद भी वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, हम आपसे लेंगे नहीं, यानी ना आपसे टॉप अप लेंगे ना हम आपसे बैंक में जमा करा रहे हैं, लेकिन जिसका पैसा है वो इजिली उस पैसे को ले ले, ये पेटीएम ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी और वो सब चार्ज वो जो बाकी चीजें हैं जो बाकी चीजें हैं वो उसमें जब स्पष्टीकरण होगा तो मुझे लगता है कि फिर हो सकता है कि रिजर्व बैंक फिर इन पे जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं उनको खोल दे और ये कंपनी फिर फले फूले, क्योंकि ये कंपनी फले फूलनी चाहिए। आप सोचिए कि जो 13 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान करती हो उसमें कितने लोग एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा, और अगर रोजगार मिलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स मिलेगा। और ये जो लेन देन में हालांकि इनका हमसे तो नहीं लेते ही, यानी ग्राहक से तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो दुकानदारों से या जो इनसे रिसीव करते हैं पैसे उनसे एक अमाउंट लेते हैं, एक कोई परसेंटेज ये लेते हैं, तो उनसे जो परसेंटेज लेके इसकी कितनी बड़ी कंपनी यानी कितना बड़ा इसका आकार हो गया है, तो ये सब चीज़ों को रिजर्व बैंक भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कंपनियां बंद नहीं होनी चाहिए, कंपनियां बंद होने से इकोनॉमी डाउन होती है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो जाता है, तो आप उसको उसमें सुधार करना चाहिए। अगर कोई गलती है उन गलतियों को पकड़ो और उस गलतियों को सुधार करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए कि आप सुधार करो। जैसे मेरा कहना ये, मैं फर्मली इस बात को कहता हूँ कि जो विजय माल्या है, विजय माल्या की जो किंगफिशर कंपनी है, अगर उनको वो बार बार कह रहे थे गवर्नमेंट से कि आप मुझे चीजों को ठीक करने का मौका दो, यानी बैंक ने जो लोन ले रखा है मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है कि मैं लोन चुकता कर सकता हूँ और मैं इसको रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहता हूँ, वो बार बार कहते रहे। जब गवर्नमेंट की इस मशीनरी, चूंकि हमारी जो मशीनरी इतनी उलझी हुई है, उस मशीनरी ने उसको नहीं समझा और फिर विजय माल्या को देश छोड़कर जाना पड़ा। आज हम जेट एयरलाइंस की भी बात करते हैं, 25,000 एम्प्लॉय उसमें थे और पहली एयरलाइंस थी वो प्राइवेट एयरलाइंस, कितनी अच्छी चल रही। आज वो जेट के जो मालिक हैं नरेश गोयल, वो जेल में बंद हैं इस उम्र में, करीबन 78 साल की उनकी उम्र है, उन पर भी कुछ फाइनेंशियल बगलिंग का आरोप है। तो ये सब चीज़ें उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उद्योगपति को मौका देना चाहिए, क्योंकि उद्योगपति का एक कंट्रीब्यूशन है इस देश के डेवलपमेंट में। हम बात करते हैं हम 7, 8, 9, 10% की ग्रोथ रेट से, उन सब में इनमें इंडस्ट्री का रोल होता है, तो इसमें जरूर उनको मौका देना चाहिए कि सुधार हो, जहां गड़बड़ी है उसको पकड़िए। अगर आप गलत दबा देंगे तो आदमी सांस कैसे लेगा, यानी वो कंपनी डूब जाएगी, बंद हो जाएगी, तो उसमें इतने सारे रोजगार चला जाएगा, देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा,
मेरा ऐसा फर्मली मेरा मानना है, ये मेरा निश्चित तौर पर मैं सोचता हूँ कि ऐसी कंपनियों को मौका देना चाहिए कि सुधार करें। अभी पेटीएम इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि अगर ये बंद हो जाएगी, अगर ये लेन देन बंद कर दी, कंपनी बंद हो जाएगी, शेयर मार्केट में इनके 40% का इनको लॉस हो चुका है, तो इसका असर अल्टीमेटली जिन लोगों का यहाँ पैसा जमा होगा उन पर पड़ेगा, और देश की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का जो लेन देन हो रहा है वो चेन टूटेगी। चेन टूटेगी तो फिर सब कुछ गड़बड़ होगा, और गड़बड़ होगा फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे कि हमारा पैसा डूब गया, हमारा पैसा वापस नहीं है। तो एक बार सुधार का मौका जरूर देना था। मित्रों, अगर इसमें आपके कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।